की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है 2020 में मानेसर गए विधायकों पर यह बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। उन्होंने कहा है हमारे जिन विधायकों ने अमित शाह से उस वक्त पैसे लिए थे, मेरी उनसे अपील है कि वो पैसे वापस लौटा दें। अमित शाह का पैसा मत रखिए, उनका पैसा रखोगे तो अमित शाह के दबाव में रहोगे। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और उन्होंने कहा कि मैंने कहा है सब कुछ भूलो, माफ करो, आगे बढ़ो। जो पैसे लिए हैं उनमें से 100 करोड़ अगर खर्च भी हो गए हैं तो वो मैं लौटा दूंगा या AICC से वापस दिला दूंगा, उसकी खानापूर्ति मैं कर दूंगा। तो धौलपुर के मानेसर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। खेल खेल शानदार प्रबंधन, शानदार इलाज हुआ राजस्थान के अंदर। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। पूरे चिंता लगी हुई है पैसा क्यों नहीं ले रहे, वो वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहां तक कह दिया हमारे MLA को जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको वापस। अमित शाह को 10 करोड़ दो वापस, 15 करोड़ 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बना रखे, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए, 25 MLA को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। मैंने MLA को कहा है तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो, तुमने खर्च कर दिया 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खानापूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके, उनका फिर वापस दो आप लोग। दबाव मेरे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा था। तो वही बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपने घर की लड़ाई उनसे संभल नहीं पा रही। पिछले 4.5 साल में सीएम गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। अगर उन्हें मालूम है कि उनके विधायकों ने पैसे लिए हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने विधायकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से उन्होंने बात बोली गई है, अपने घर की लड़ाई उनसे संभल नहीं रही है, दो खेमों में जो कांग्रेस बटी हुई, और जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि इस पूरे 4 साल गहलोत सरकार ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया है। और अब क्योंकि अंतिम समय आ गया है और वो जानते हैं कि जनता अपना मन बना चुकी है, तो उस बात को किसी न किसी से घुमा कर वे चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी पर उसका ढीकड़ा फोड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जनता बहुत समझदार है। अगर आपको पता है कि आपके विधायकों ने पैसे लिए हैं तो सबसे पहले तो आप कार्रवाई अपने विधायकों पे करें कि उन्होंने किस किस ने पैसे लिए और कितना खर्चा किस तरीके से लिया। और अब बात सीएम के मिशन पूर्वी राजस्थान की। सीएम अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण कर रहे हैं और इसके साथ साथ लाभार्थियों से भी बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम गहलोत धौलपुर के मरना करौली के मंडराल और दौसा के गीजगढ़ पहुंचे और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। धौलपुर के मरना में सीएम ने विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान PCC चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा सहित कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं करौली के मंडराल में सीएम ने दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की और दौसा के गीजगढ़ में भी महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। ERTP आप सबके लिए लाइफ लाइन है, अगर आप सब लोग मिलकर के साथ देंगे सरकार का, अगर हम चाहेंगे कि रोहित बोरा को मैं कह रहा था क्यों नहीं हमारे 13 जिले के साथी एक साथ में मार्च करे, रैली निकाले, प्रधानमंत्री जी पे दबाव पड़े कि हमें इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि जनता के दबाव के आगे लोकतंत्र में हम सबको झुकना पड़ता है, चाहे मुख्यमंत्री हो,
चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई भी हो, सरकार की तरफ से जो फैसले किए गए हैं हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुए हैं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का, 25 लाख का, भगवान करे कोई बीमार पड़े ही नहीं और उनको महसूस भी नहीं होता है 25 लाख बीमा क्या महत्व है। पर जिसके घर में बीमारी आती है, ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, टेस्ट करने पड़ते हैं, MRI के, CT स्कैन के, दवाएं खर्च करनी पड़ती है, तब मालूम पड़ता कितना बड़ा खर्च होता है। और मुझे खुशी है, कहते गर्व है, 25 लाख का बीमा कर्मचारियों के लिए, OPS के साथ में RGSS की स्कीम, ये एक इतिहास बन गई राजस्थान के अंदर, नहीं देश के अंदर। किस प्रकार से आज राइट टू हेल्थ, हमने स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया आपको। बीजेपी जो है, बीजेपी कब्जा कर रही है कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। खरीद फरोख्त करके आप कल्पना कीजिए, 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ मिलेंगे, अच्छे अच्छे MLA बिक जाते हैं। किस प्रकार 3 सरकारें चली गई हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र की हत्या कर दी इन लोगों ने, इतने खतरनाक लोग ये लोग हैं। और करेंगे अगली खबर का, सिरोही में द केरल स्टोरी मूवी पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बड़ा बयान दिया है। राजेंद्र राठौड़ ने द केरल